हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा, कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज बिजनेस स्टडी के एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, जो आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, हिंदी मीडियम में वन शॉट रिवीजन जो चल रहा है सीरीज, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है नियुक्तिकरण। आइए इसका पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन डैश डैश है धन की बर्बादी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी विनियोजन है एंड ऑप्शन नंबर सी डी इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन धन की बर्बादी है? नहीं। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन आवश्यक है, विनियोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर है विनियोजन, मतलब इन्वेस्टमेंट है। यहां आंसर क्या होगा? विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 103 नंबर कि नियुक्तिकरण है डैश 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 संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध कार्य, ऑप्शन सी प्रबंध का कार्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नियुक्तिकरण है उपयुक्त सभी, संगठन का भी भाग है नियुक्तिकरण, कर्मचारी प्रबंध कार्य का भी भाग है एंड प्रबंध का कार्य भी है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सही इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 104 नंबर क्वेश्चन कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग है, ऑप्शन ए आवश्यक है, ऑप्शन बी अनावश्यक है, ऑप्शन सी अनिवार्य है, ऑप्शन डी धन की बर्बादी है। तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एकदम से आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर बिजनेस का एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण बदलते रहता है और हर समय समय पर अगर कर्मचारियों की प्रशिक्षण नहीं होगी तो ट्रेनिंग जो जो इम्प्लॉय होंगे आपके व्यवसाय के कर्मचारी होंगे वो अनस्किल्ड हो जाएंगे, वो आउटडेटेड हो जाएंगे, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंट और इफेक्टिव काम नहीं करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा, इसलिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है पदोन्नति, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है उपयुक्त सभी, सभी विकास तो सभी के कारण पदोन्नति प्रमोशन स्थानांतरण ट्रांसफर होता है, प्रशिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराया जाता है, इन सब से उनका क्या होता है? विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास का उद्देश्य है, विकास का उद्देश्य योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति का पदोन्नति के अवसर एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर होगा उपयुक्त सभी, विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, ये भी विकास का उद्देश्य है, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, मानव संसाधन मतलब HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती चयन प्रशिक्षण एंड उपयुक्त सभी। तो मानव संसाधन का काम ही है भर्ती चयन प्रशिक्षण एंड डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर, मानव संसाधन का यही काम होता है कि भर्ती करता है, चयन करता है, प्रशिक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर, प्रशिक्षण की विधियां हैं, प्रशिक्षण की विधियां हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन अगला, प्रशिक्षण की विधि है, ऑप्शन नंबर ए कार्य बदली प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी कार्य पर प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रशिक्षण की विधि है कार्य बदली प्रशिक्षण, इधर उधर बदल दिया जाता है, इट मीन्स कि ट्रांसफर कर दिया जाता है कार्य पर प्रशिक्षण, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग होता है एंड उपयुक्त सभी। तो प्रशिक्षण की विधि है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व डैश डैश है, नियुक्तिकरण नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व है डैश डैश है, ऑप्शन निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध, उच्च प्रबंध एंड उपयुक्त सभी। तो नियुक्तिकरण स्टाफिंग कह रहा है उत्तरदायित्व डैश डैश है, निम्न प्रबंध है, ऑप्शन नंबर बी मध्यम प्रबंध है, ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रबंध है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी है, नियुक्तिकरण सभी में होता है क्योंकि निम्न प्रबंधन में भी होता है, मिडिल में भी होता है, उच्च प्रबंधन में भी होता है, उपयुक्त सभी में। स्टाफिंग तो हर जगह जरूरी है ना, हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है। ऑप्शन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है ऑप्शन नंबर ए भर्ती, ऑप्शन नंबर बी चयन, ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण एंड डी उपयुक्त सभी। तो मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एंड उपयुक्त सभी। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया 110 का, डी उपयुक्त सभी ऊपर भी क्वेश्चन था। नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, ऑप्शन नंबर बी कर्मचारी प्रबंध का कार्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध का कार्य, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियुक्तिकरण है संगठन का भाग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कर्मचारी प्रबंध का कार्य उपयुक्त। ये भी और रिपीटेड क्वेश्चन है उपयुक्त सभी, क्योंकि नियुक्तिकरण माने स्टाफिंग, संगठन का भी भाग है, कर्मचारी प्रबंध का भी कार्य है, प्रबंध का भी कार्य है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, यानी कि डी सबका कार्य है नियुक्तिकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है पदोन्नति माने प्रमोशन और स्थानांतरण माने ट्रांसफर कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य डैश डैश हैं। तो कार्य है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य है, स्रोत है ऑप्शन नंबर डी, महत्व है। तो यहाँ आंसर होगा कि स्रोत है, कह रहा है पदोन्नति और स्थानांतरण माने कि प्रमोशन और ट्रांसफर कर्मचारियों को भर्ती के मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को डैश डैश कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं माने प्रमोशन कहते हैं, अवोन्नति कहते हैं, हाँ अवोन्नति कहते हैं माने डिमोशन, इसको क्या बोलेंगे डिमोशन। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को कहते हैं का अवोन्नति माने डिमोशन कहते हैं। प्रमोशन माने तो पदोन्नति हो गया, अवोन्नति यहाँ दिया है माने जिसको बोलते हैं डिमोशन, मतलब कि कम रैंक पे आदमी को रखना, मतलब उसको अवोन्नति कहते हैं, डिमोशन इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिमोशन। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है डिमोशन, 113 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना डैश डैश है, हस्तांतरण है, त्याग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना डैश डैश है। तो यहाँ पे डैश डैश क्या है, हस्तांतरण माने ट्रांसफर करना, एक कार्य से दूसरे जगह पर कार्य पर लगा देना क्या कहलाएगा, हस्तांतरण कहलाएगा। अगला कह रहा है कि 115 नंबर, संगठन के जीवन में भर्ती होती है एक बार, कह रहा है दो बार, कभी कभी, निरंतर। तो संगठन के जीवन में कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पूरे जीवन काल में भर्ती निरंतर होती रहती है, हमेशा कोई ना कोई काम रहता है उसके लिए आदमी को भर्ती करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 116 नंबर, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ कह रहा है कि सभी श्रेणियों के अधिकारियों का चयन होता है, यानी कि आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि निम्न श्रेणी में भी अधिकारियों का चयन होता है, मध्यम श्रेणी में भी और उच्च श्रेणी में भी, तो कर्मचारियों का चयन हर श्रेणी में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की विधियां हैं पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी कह रहा है कार्य पर विकास एंड ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पद हेरफेर को भी कहता है विकास की विधियां हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं जिसमें ये तीन दिया हुआ है, पद हेरफेर माने इधर उधर कर दिया जाए, अल्पकालीन पाठ्यक्रम कुछ ट्रेनिंग में शॉर्ट टर्म में कुछ उनको सिखाया जाए, कार्य पर विकास किया जाए, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। तो विकास की विधियां ये सभी हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका नियुक्तिकरण का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 6। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कॉमर्स 2.0 आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा, आगे भी वीडियो लगातार चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।